का कम्युनिकेशन सैटेलाइट तुर्कसैट 5A अमेरिका की स्पेसएक्स कंपनी के जरिए जल्द ही खला में भेजा जाएगा। इस सैटेलाइट के जरिए यूरोप, मशरिक वस्ता और अफ्रीका में ब्रॉडकास्टिंग सर्विस फराहम की जाएगी। तुर्की की पहली मकामी इलेक्ट्रिक कार की तैयारी का काम आखिरी मराहल में पहुंच गया। टॉग नामी तुर्क कंपनी जून 2018 में कायम की गई और अब कंपनी मकामी इलेक्ट्रिक कार मार्केट में लाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अमेरिका की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की मार्केट वैल्यू 2000 अरब डॉलर हो गई। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी के शेयर की कीमत 266 डॉलर से तजावज कर गई। तुर्की में नतालिया नीगल 2021 की फौजी मशकें, तुर्की, अजरबैजान और रूस की फजाइया की शिरकत, MiG-29 और रूस के Sukhoi-25 जंगी तैयारी हिस्सा ले रहे हैं। अफगान फोर्सेज और तालिबान में लड़ाई जारी है, सुबह बल्ख में झड़पें शिद्दत इख्तियार कर गई हैं। अफगान फोर्सेज के तालिबान पर फजाई हमले जारी। तुर्की और ट्यूनस के दरमियान नया दिफाई मुआहिदा, बारूदी सुरंगों की सफाई की 41 खसूसी हेजहॉग गाड़ियां और 5 मिलिट्री एम्बुलेंस ट्यूनस को फरोख्त की जाएंगी। तुर्क खातून अव्वल अमीना अर्दवान का दिफाई साजो सामान तैयार करने वाली सरकारी कंपनी राकिस्तान का दौरा, फैक्ट्री में माहौल दोस्त पॉलिसी के तहत हथियार तैयार किए जा रहे हैं। अमीना अर्दवान का ग्रीन प्रोजेक्ट पर इजहार इत्मीनान। तुर्की ने कोरोना वायरस की टेस्टिंग की खसूसी डिवाइस तैयार कर ली। नैनो टेक्नोलॉजी की इस डिवाइस से सिर्फ 10 सेकंड में कोरोना वायरस टेस्ट किया जाता है, जिसकी दुरुस्तगी की शरह 99% है। टर्किश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 के स्केड्यूल का ऐलान कर दिया गया। इस साल अक्टूबर में इस्तांबुल फार्मूला 1 की रेस का मेजबान होगा।